नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर त्रिपाठी करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग कुछ कमेटीज देखेंगे, कुछ कमेटी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको अभी वही पढ़ा रहा हूं जो महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी कम समय बचा है एग्जाम के, और ये कमेटीज आपको तैयार करनी है। इनमें से एक एक कमेटीज पक्की आ जाएंगी, पक्का है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं महानदी विवाद। तो महानदी विवाद उड़ीसा के कहने पर ये कमेटी बनाई गई है। महानदी विवाद मेनली उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में है। इस कमेटी का नाम है खानविलकर कमेटी। तो देखिए, कमेटी में आप कोई तो पूरा नाम मत याद किया करिए, सरनेम बहुत इजीली याद हो जाता है। नदियों के किनारे बहुत खाने पाई जाती, बालू के खान, कोयले के खान। तो खानविलकर, महानदी खान विलकर कमेटी, नदी से खान विलकर कमेटी, महानदी कमेटी क्या हो गई, खान विलकर कमेटी। ठीक, अब आगे खराब है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, बहुत मुद्दा चल रहा है। नीरव मोदी, विजय माल्या सब पैसा लेके भाग गए। तो भाई भाग गए तो क्या हुआ, बहुत सारा माल लेके भाग गए। तो खराब ऋणों पे जो कमेटी बनी गई बनी है, मालेगांव, बहुत सारा माल लेके भाग गए, इसलिए मालेगांव साहब को बिठाया गया है जांच करने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो खराब ऋण संबंधित कमेटी कौन सी होगी, मालेगांव, मालेगांव कमेटी खराब ऋण एवं धोखाधड़ी से संबंधित। सर, बैंकों को धोखा दे दे के उद्योगपति माल लेके भाग जा रहे हैं, अब मालेगांव साहब बुलाए गए हैं उसके लिए। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, डोभाल साहब, और ये उपराष्ट्रीय सलाहकार बनाए गए हैं राजेंद्र खन्ना, ये रॉ के चीफ रह चुके हैं। उसके बाद 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक देने का दर्जा, 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक देने के दर्जे के सुझाव के लिए जो कमेटी बनाई गई है। तो देखो भाई, मेनली 3 धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई को बहुत ज्यादा अल्पसंख्यक मान लीजिए। तो एक अल्पसंख्यक को ही अल्पसंख्यक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया कि हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाए, किसी बहुसंख्यक को नहीं बनाया गया कि ऐसा ना हो पार्शियलिटी हो जाए। इसलिए जॉर्ज कुरियन साहब जो अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हैं, इन्हीं को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जो 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देगा। तो जॉर्ज कुरियन, सिख विरोधी दंगे, ठीक है, ये नासूर हो गया है भारत के लिए, हर साल एक नई कमेटी बनती है। तो एक दूसरे के ऊपर ढीकरा फोड़ा जा रहा है, ढींगरा साहब को बुलाया गया है, किसने दंगा किया, कौन कौन किया, सब जो सरकार आती है एक दूसरे पर ढीकरा फोड़ती रहती है। और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक ढींगरा कमेटी बनाई है इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए, आधार को लेके बहुत शोर मचा हुआ है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा चोरी हो जाएंगे उनकी सुरक्षा से संबंधित, तो ये कमेटी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको सुरक्षित रखने के लिए कृष्णा कमेटी, क्योंकि भाई इंसानों के बस की बात नहीं है आधार के डेटा को सुरक्षित रखना, इसलिए भगवान को याद किया गया है, कृष्णा कमेटी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित रखना, इससे किसी भी जानकारी की चोरी ना हो। अभी जीएसटी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई गई है। सुशील मोदी, ये डिप्टी सीएम है बिहार के, तो नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे मोदी को जिम्मेदारी दे दी है जीएसटी नामक भूत की, लोग परेशान है जीएसटी से। तो सुशील मोदी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष होंगे जो समिति बनाई गई जीएसटी पे। 20 शैक्षिक संस्थानों के चयन हेतु यूजीसी द्वारा बनाई गई कमेटी, गोपाल स्वामी कमेटी, ये गोपाल स्वामी वही है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये इस कमेटी के चयन के लिए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुछ संस्थानों की बात आई तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, भारत के टॉप संस्थान का दर्जा आईआईएससी बैंगलोर को दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को दिया हुआ है। यूपी वालों के लिहाज से जो है टॉप 100 में टॉप रैंक पे यूपी का आईआईटी कानपुर है, जो जो कि ओवरऑल 7वें नंबर पे आता है, यूपी की तरफ से 1st नंबर पे है आईआईटी कानपुर। तो कुछ कमेटीज हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महानदी, नदियों के किनारे खान होती, बालू की खान, कोयले की खान, तो खान विलकर कमेटी बन गई है। महानदी विवाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बीच में है। खराब ऋण, मतलब
मतलब जो विजय माल्या जैसे पैसे लेके और ऋण नहीं चुकाते और भाग जाते हैं, बहुत सारा माल इकट्ठा किए भाग गए, तो मालेगांव कमेटी, उपराष्ट्रीय सलाहकार राजेंद्र खन्ना को बनाया गया है। आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन की कमेटी बनाई गई है, तो एक अल्पसंख्यक का ही नाम याद रखना, वो भी क्रिश्चियन। सिख विरोधी दंगे SIT, तो याद रखिएगा इसमें क्रिश्चियन नाम देखिएगा, क्योंकि हिंदुओं को इसलिए नहीं बनाया कि पार्शियलिटी हो सकती है, मुस्लिम को बना देंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, इसलिए क्रिश्चियन को बना दिया। भैया तुम्हें निर्धारित करो किन किन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो जॉर्ज कुरियन। सिख विरोधी दंगे के लिए ढींगरा कमेटी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, आधार से संबंधित जो हमारा पर्सनल डेटा है चोरी हो जाता है उसके लिए कृष्णा कमेटी, क्योंकि आधार के डेटा को बचाना मुश्किल है, इसलिए भगवान के चरणों में आ गए हैं, कृष्णा कमेटी बना दी है। GST पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी, सुशील मोदी, दूसरा मोदी। और 20 शैक्षणिक संस्थानों के चयन हेतु UGC द्वारा बनाई गई कमेटी है गोपाल स्वामी कमेटी। ये कुछ कमेटीज हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में आएंगी, और एक बार आप लोग देख लीजिए। मित्रों आप कुछ नियुक्तियां देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जिनमें से एक आएंगी, तो मिस मत करिए, क्योंकि अभी जो पढ़ाया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है, सार पढ़ाया जा रहा है, इन्हीं से कुछ ना कुछ आएगा। और ये पेपर के बाद आप लोग तो देखिएगा, जितने भी वीडियो आप हमारे देखे होंगे उसमें से अधिकतर करंट आएगा। तो सबसे पहले फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए अनुपम खेर, आप लोग याद रखिए, अनुपम खेर की वाइफ भाजपा की सांसद है, अनुपम खेर कई मंचों पे बार बार बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं, तो उनको इनाम मिल चुका है, FPI के चेयरमैन बन गए हैं, तो आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। फिर WHO के महानिदेशक ट्रेड्रोस एघानोम, ठीक, ये नाम थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, ट्रेड्रोस एघानोम। कैग, तो कैग के महानिदेशक जो है, महानियंत्रक हमारे यहाँ कैग के, राजीव महर्षि, ठीक है, तो राजीव नाम इस समय बहुत फेवरेट चल रहा है, राजीव कुमार हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं, और दूसरे राजीव कैग के अध्यक्ष हो गए हैं, राजीव महर्षि। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है, अभी जल्दी में इसकी बैठक हुई जो कि दिल्ली में हुई, ये बात आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय गुड़गांव में है, लेकिन इसकी बैठक कहाँ हुई, दिल्ली में, सम्मेलन इसका। उपेंद्र त्रिपाठी IAS है। G20 शेरपा, G20 के शेरपा, तो G20 का सम्मेलन आपको मालूम है अगला कहाँ होना है, अगला ब्यूनस आयर्स में होना है, अर्जेंटीना की राजधानी है। तो शेरपा नियुक्त किए गए शशिकांत दास, तो शेर वाले शाह से शेरपा, शेर वाले शाह से शशिकांत, इनका नाम ऐसे याद रखिएगा आप लोग, शेरपा शशिकांत है। GST के अंतर्गत मुनाफाखोरी प्राधिकरण बनाया गया है, मुनाफाखोरी को रोकने के लिए उसके BN शर्मा चेयरमैन बनाए गए हैं, BN शर्मा, GST के चेयरमैन BN शर्मा, ठीक है। तो जो जो अपराधी मुनाफा कमा कमा के इसमें GST के अंतर्गत शर्मा रहे थे, उनको पकड़ने शर्मा जी आएंगे। सार्क के महासचिव अमजद हुसैन सियाल, तो आप अमजद हुसैन तो नाम नहीं याद रहेगा, कोई ट्रिक नहीं मिलती है, सियालकोट पाकिस्तान के पास है, तो उससे सियाल याद रखना आप लोग, पाकिस्तान वाला ही बना है, सार्क का महासचिव सियाल, अमजद हुसैन याद कर ले, बहुत बढ़िया। लोकसभा की पहली महासचिव, सचिव का महासचिव कभी नहीं पूछा गया, पहली है इसलिए पूछा जा सकता है, स्नेहलता श्रीवास्तव, तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव होंगी। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एजोले, आंद्रे एजोले यूनेस्को के महानिदेशक होंगे। तो ये कुछ नियुक्तियां हैं, फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अनुपम खेर, WHO के टेड्रोस, कैग के राजीव महर्षि, अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल,
अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी महासचिव है ये वहाँ के, और G20 शेरपा शशिकांत दास, जैसे शेर और शशिकांत, मुनाफाखोरी प्राधिकरण बीएन शर्मा, बहुत चोरी चोरी जीएसटी में पैसा कमा रहे हैं और पकड़े जाते हैं तो शर्माते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए शर्मा जी आए हैं। सार्क के महासचिव अमजद हुसैन सिया, लोकसभा की पहली महासचिव स्नेह लता श्रीवास्तव, यूनेस्को महानिदेशक आंद्रे रजोली। तो मित्रों ये तीसरा वीडियो था करंट का, आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग वन रिपोर्ट और भूगोल से जुड़े प्रोडक्शन, राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रोडक्शन किस राज्य के किस देश के हैं, इससे रिलेटेड कल वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत संक्षिप्त में, बहुत इम्पोर्टेंट और ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए आप लोग कल जरूर देखिएगा। नमस्कार।